ओम शांति भाई जी। भाई जी, बाबा जब 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हुए तो उस दिन बाबा की स्थिति क्या थी, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बाबा ब्रह्मा बाबा संसार के नंबर वन योगी हैं, नंबर वन आत्मा है। उन्होंने तो पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को भी पा लिया था, तो कर्मातीत अवस्था में जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो अंतिम पलों में कैसा अनुभव होता है, इसका कहीं विवरण मुरलियों में या संदेश में कभी आया है भाई जी? मैं जानना चाहता हूँ, प्लीज भाई जी, अगर है तो मुझे सुनाए। ओम शांति भाई जी। भाई जी, ब्रह्मा बाबा जिस दिन अव्यक्त हुए उस दिन बाबा को कई भोग लगाए गए और उस दिन कई संदेश भी आए। तो एक संदेश गुलजार दादी जी लाए थे, उस संदेश में बाबा ने अपना अंतिम पलों का अनुभव सुनाया, वो मैं आपको सुनाता हूँ, उससे आपका ये जो प्रश्न है उसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है भाई जी, आप सुनो वो अनुभव। गुलजार दादी जी जब बाबा के पास गए तो बात यहाँ से शुरू करता हूँ। बाबा से पूछा कि बाबा, सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ बोला नहीं, बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वे अनुभव भी सुनना चाहते हैं। तो बाबा बोले, हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा लो सुनो, है ना, तो अभी बाबा का अनुभव आने वाला है, अब बाबा अनुभव सुनाएंगे। तो बाबा ने कहा, बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था, उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी, किसकी, योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स में ही था। ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए हैं वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे थे, और मैं साक्षी हो देख रहा हूं जैसे अखाड़े में बैठ मल्लयुद्ध देखते हैं। मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग अर्थात दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिरी में योग बल ने कर्म भोग पर जीत पा ली। उस समय तीन बातें साथ साथ चल रही थीं। वह कौन सी, एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो, और दूसरे तरफ यो तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में थी। बाबा कह रहे हैं, बाकी शुद्ध मोह की रग वह यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, वह कोई भी संकल्प नहीं था। बाबा कह रहे, कोई भी ऐसा संकल्प नहीं था। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। तो पहली तरफ ये संकल्प कि बाबा आप मुझे अपने पास बुला रहे हो, और दूसरी तरफ बच्चों की शुद्ध मोह की याद, लेकिन खास कोई स्मृति नहीं किसी बच्चे की। बाबा ने बोला, कोई भी संकल्प नहीं कि छुट्टी नहीं ले रहा हूँ बच्चों से, तीसरी तरफ कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है ये अनुभव हो रहा था। फिर बाबा ने कहा, कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली में सुनाई चलाई कि कैसे भां भां होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था, और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है वह अनुभव हो रहा था, यह है मेरा अनुभव। तो ये बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। तो बहुत वंडरफुल बात है कि हमें बाबा ने स्वयं अपने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव सुनाया भाई जी, है ना। तो हम जान सकते हैं कि ब्रह्मा बाबा
जो सृष्टि की नंबर वन आत्मा, जो नंबर वन योगी शिव बाबा, जिनको बोलते हैं कि मेरा तो सिर्फ एक ही मुरब्बी बच्चा है, वो है ब्रह्मा। तो ऐसी आत्मा शरीर छोड़ते समय क्या अनुभव करती है वो हमने सुना भाई जी, ये बहुत वंडरफुल अनुभव है। तो भाई जी मुझे लगता है कि आपकी बातों का जवाब भी मिल गया कि कर्मातीत अवस्था के समय, कर्मातीत अवस्था को पाकर जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उस समय क्या अनुभव होता है। तो ब्रह्मा बाबा वही आत्मा है जिन्होंने उस अवस्था को पाकर शरीर छोड़ा, तो इस तरीके का अनुभव होता है भाई जी। ठीक है भाई जी, ओम शांति। जी भाई जी, कर्मातीत अवस्था क्या होती है आज पता चला, कैसे अंतिम पलों में हमारा पुरुषार्थ काम देता है। सारे जीवन बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, जो तपस्या की, उसका फल था ये कि अंतिम समय में बाबा ने अपने कर्म भोग पर योग बल से जीत पा ली और बाबा को अंदर खुशी थी कि बाबा मुझे अपने पास बुला रहे हैं, तो भाई जी मैं भी ऐसा पुरुषार्थ करूँगा। और बाबा ने ये भी बोला भाई जी कि किसी बच्चे की याद नहीं थी कोई खास, शुद्ध मोह जरूर था लेकिन कोई खास किसी की याद नहीं कि छुट्टी नहीं ले रहा हूँ, तो भाई जी मुझे भी ऐसा पुरुषार्थ करना है कि मुझे भी अंतिम पलों में किसी की भी याद ना आए और मुझे भी बहुत खुशी हो कि मैं अपने बाबा के पास जा रहा हूँ। और मुझे भी भाई जी अपने योग बल को बहुत बढ़ाना है ताकि कोई कर्म भोग अंत समय में मेरी बुद्धि को बाबा से तोड़ ना पाए। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, ओम शांति भाई जी, थैंक यू बाबा, ओम शांति बाबा।